तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जो दोस्तों 26 जनवरी का पोस्टर कैसे बना सकते हो। पोस्टर तो आपने वीडियो में देख लिया होगा, यानी कि थंबनेल में देख लिया होगा, तो कैसे आपको बनाना है इस वीडियो में जो मैं आपको उसी बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, इस जो बैनर है इसका पीली फाइल डाउनलोड लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड आपको जो वीडियो में ही 3 जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो है पासवर्ड के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और मैं आपको इधर पर इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगा कि पीली फाइल को कैसे डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से, डाउनलोड करने के बाद आपको पासवर्ड डाल के फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद पिक्सल लोकेशन में पीली फाइल को कैसे ऐड करना है, उसके बाद आपको ऐड करने के बाद बैनर में क्या क्या आपको एडिटिंग करना है, सब कुछ मैं आपको जो इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो आप जो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को देखते रहिए। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आना है, डिस्क्रिप्शन में जाते ही दोस्तों आपको जो इधर पर देखते हो कुछ इस तरह से लिंक दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा ही लिंक आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, तो आपको जो उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये जो लिंक है आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा लिंक जो ओपन होने के बाद। यहाँ पे ओपन होने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आप यहाँ पे देखो एक डाउनलोड का छोटा सा आइकन है, तो जैसे आप उस आइकन पे क्लिक करते हो तो ये जो फाइल आपका डाउनलोड होना इधर पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इधर से जो फाइल को डाउनलोड कर लेना है, फाइल मेरा इधर पे देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है। तब तक के लिए दोस्तों अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहे हैं हम लोग। जब तक मेरा फाइल डाउनलोड हो रहा है तब तक चलिए अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो आपके फ़ोन में जो भी फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है तो आपको उसको ओपन करना है। तो मेरा ये रहा फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे देखोगे तो आपके फ़ोन स्टोरेज का ऑप्शन है, तो आपको उस ऑप्शन में आना है। तो आपके फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको जो फ़ोन स्टोरेज में आना है, आने के बाद दोस्तों अभी आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपका जो भी डाउनलोड मटेरियल जो कुछ भी ऐड होता है, तो आपको जो उस फोल्डर में जाना है। तो मेरा जो कुछ भी डाउनलोड होता है दोस्तों मेरा जो डाउनलोड के फोल्डर में ही ऐड होता है, तो इधर पर आप देख सकते हो डाउनलोड का फोल्डर रहा। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देखोगे इधर पर देख सकते हो रिपब्लिक डे के नाम से एक जेव फाइल इधर पर ऐड हो चुका है, यानी मेरा जो फाइल डाउनलोड हो चुका है जो मैंने अभी डाउनलोड पर लगाया हुआ था। तो फाइल को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अभी आपको जो इस फाइल पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो इधर पे आपको जो कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो .plv करके, यानी कि रिपब्लिक डे .plv करके, यानी कि जो मेरा फाइल है PLP में है। और नीचे आप देखोगे तो इधर पे स्टेट ऑल करके दिखा रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद इधर मुझे कुछ ऑप्शन पूछा जा रहा है। जैसे मैं स्टेट टू डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो इधर पर देख सकते हो अभी मुझे जो पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको जो वीडियो में 3 जगह पर पासवर्ड देखने के लिए मिलेगा, तो आपको जो तीनों पासवर्ड इधर पर टाइपिंग करके लिखना है। तो चलिए इधर मैं जो पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो वीडियो में आगे मिलता हूँ, आगे आपको वीडियो में करना क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इधर मैंने जो पासवर्ड को टाइपिंग करके लिख लिया हुआ है, पासवर्ड को लिखने के बाद आपको इधर पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको इधर पे जो स्टेट करके ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको जो फाइल है दोस्तों स्टेट हो जाएगा। फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखोगे तो इधर पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको जो फोल्डर बन जाएगा, यानी पहले आपको जो JIV फाइल में था अभी आपका देख सकते हो इधर पे एक फोल्डर बन चुका है। एक्सट्रैक्ट करते ही फाइल को दोस्तों, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों अभी आपको जो है यहाँ पे अपने जो फाइल में एप्लीकेशन को बंद कर देना है, उसके बाद आपको अपने पिक्सल एप्लीकेशन में आना है। तो ये रहा मेरा पिक्सल एप्लीकेशन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई दे, यहाँ पे आपको जो कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद दोस्तों आपको जो कुछ इस तरह दिखाई दे, अभी दोस्तों आपको यहाँ पे एक 3 डॉट का साइड में ऑप्शन है इधर पे आप देख सकते हो, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन PLV करके, ओपन PLP फाइल करके, तो आपको जो उस ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इधर पर कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कई सारे जो PLV फाइल इधर पर ऐड किया हुआ है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ इधर पर आपको जो अपना PLV फाइल को कैसे ऐड करना है, जो आप डाउनलोड करोगे लिंक से उस PLV फाइल को कैसे पिक्सल एप्लीकेशन में ऐड करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप इधर पे देखोगे तो .plv करके ऑप्शन है, तो आपको जो ऑप्शन पे जो क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने जितने भी सारे आपके फोन में फोल्डर है आपको दिखाई देंगे। तो अभी आपको ये उस फोल्डर में आना दोस्तों जो फोल्डर में आपका जो PLV फाइल है। तो मेरा जो फोल्डर का नाम था दोस्तों रिपब्लिक डे करके नाम था फोल्डर का, तो इधर पर आप देख सकते हो रिपब्लिक डे के नाम से इधर पर एक फोल्डर दिखा रहा है। तो जैसे मैं इस फोल्डर पर क्लिक करता हूँ इधर पर देख सकते हो मेरा जो PLV फाइल इधर पर दिखा रहा है। तो जैसे मैं इस PLV फाइल पर क्लिक करता हूँ तो इधर पर कुछ ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन दिखा ओपन ओनली का, अगर इस फाइल को मुझे ओपन करना है तो मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, और अगर इस PLV फाइल को मुझे पिक्सल एप्लीकेशन में ऐड भी करना है और ओपन भी करना है तो इधर मैं जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो इधर पे आपको करना का, इधर पे दोस्तों आपको जो दूसरे ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। चलिए मैं दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर पे बैक आना है। बैक आते ही देखोगे तो आप दोस्तों आपका जो बैनर है अपने जो पिक्सल एप्लीकेशन में, यानी जो PLV फाइल आपका पिक्सल एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो आपका जो बैनर कुछ इस तरीके से। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ इधर पे आपको जो क्या क्या एडिटिंग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इधर पे जो फोटो देख रहे हो, ये जो फोटो आपको इसको सिलेक्ट करना हो कुछ इस तरीके जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको, उसके बाद आपको इधर पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करके जो इसको डिलीट कर देना है फोटो को। फोटो को डिलीट करने के बाद दोस्तों अभी आप अपना फोटो लगा सकते हो।
फोटो लगाने के लिए आपको जो प्लस के आइकन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद अपने बैनर में जिसका भी फोटो लगाना चाहते हो, जो भी आपके पास फोटो, आपको वो फोटो इधर पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपने पीसी एप्लीकेशन जहाँ पे अभी मैंने उस फोटो को डिलीट करके दिखाया जहाँ से, वहीं पर आपको जो उस फोटो को सेट कर देना है। फोटो को सेट करने के बाद दोस्तों आपने जिसका भी फोटो लगाया हुआ है आपको उसका नाम लिखना होगा। तो नाम लिखने के लिए आपको इधर पे देख सकते हो मैंने एक नाम लिखा हुआ, तो आपको जो उस नाम पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको जो एक ऑप्शन है आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इधर पे एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको जो उस एडिट के ऑप्शन क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाना है। आपको आने के बाद आपको जो कुछ भी लिखा गया इसको कट कर देना है। कट करने के बाद अपने कीबोर्ड को जो कुछ इस तरीके से हिंदी में करना है, हिंदी में मेरा जो कीबोर्ड हो चुका है अभी दोस्तों। आपने इधर पे अपने बैनर में जिसका भी फोटो लगाया हुआ है आपको उसका नाम इधर पे टाइपिंग करके लिख लेना है। तो चलिए जैसे एग्जांपल दिखाने के लिए आप लोगों को मैं इधर पे अपना नाम लिखता हूँ। नाम लिखने के बाद मैं इधर पे डन करता हूँ, उसका ओके कर रहा हूँ। तो इधर पे आप देखो दोस्तों मेरा जो नाम चेंजेस हो चुका है। नाम को चेंजेस करने के बाद दोस्तों आप उसके साइड में देखोगे तो मैंने कुछ जो सोशल मीडिया का नाम डाला हुआ है, तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो इधर पे आप देख सकते हो। तो मैंने जो इधर पे दोस्तों इंस्टाग्राम का नाम डाला हुआ है, तो आप इधर पे जितना भी सोशल मीडिया का नाम ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। बस आपको करना क्या होगा दोस्तों, बस आपको जो उसका पीएनजी आइकन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने पिक्सेल लोकेशन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको उसमें जो व्हाइट कलर को रखना है, व्हाइट कलर को रखने के बाद आप जो भी अपना नाम लिखना चाहते हो सोशल मीडिया आप वो नाम लिख सकते हो। जैसे इधर पे आप देखते हो मैंने इंस्टाग्राम का लोगो लिया हुआ है, उसको मैंने जो यहाँ पे ओपन करके पिक्सेल लोकेशन में जो उसमें व्हाइट कलर को रखा हुआ है, और इधर पे मैंने जो सोशल मीडिया का नाम यानी जो भी मेरा इंस्टाग्राम पे नाम है वो नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो इधर पे इस नाम को चेंजेस करने के लिए आपको इस नाम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, टाइप करते ही आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आएंगे जो कुछ भी लिखा गया है इसको कट करके हटाना है आपको। उसके बाद अपने कीबोर्ड को जो हिंदी इंग्लिश में करना है, सॉरी दोस्तों इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में करने के बाद दोस्तों आपका सोशल मीडिया पर जो भी नाम है आपको नाम टाइपिंग करके इधर पे लिख लेना है। उसके बाद डन करना है, उसके बाद ओके कर देना है। बस आपको इतना ही काम करना है दोस्तों, इतना कर दिया आपको जो भी नाम चेंज हो जाएगा। तो आपको इधर पर क्या क्या चेंजेस करना है दोस्तों, बस आपको अपना फोटो लगाना है जिसका भी आप बैनर बनाना चाहते हो 26 जनवरी का, उसका आपको फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद आपको उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उसका सोशल मीडिया पर क्या नाम है आपको नाम चेंजेस करना है। बस दोस्तों आपको इतना ही काम करना है, इतना करते ही आपको जो 26 जनवरी का बैनर बनके आसानी से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों पासवर्ड तो अपने वीडियो में देख लिया हो, तो जाइए अभी बनाइए फाइल को डाउनलोड करके। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।